हेलो दोस्तों, रियाज के वक्त किन बातों का ख्याल रखें, क्या सोच के रियाज करने बैठना है। जनरली जो होता है कि हम रियाज करने के पहले सुनते हैं, थोड़ा गाने सुन रहे हैं, कुछ भी जो सुन रहे हैं, जैसे मैं करता था बहुत पहले। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये लेसन है, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनता था, उनकी ठुमरी, उनका तान ख्याल, सलामत अली खान साहब कि मियाँ की तोरी सुनता था मैं, उनका तराना सुनता था, बहुत मुझे अच्छा लगता था, कौश की दीदी का तान सब कुछ सुनता था मैं। ये सब सुना, बहुत अच्छा माहौल बना, अब दिल करता था चलो मैं भी रियाज करूँ, मुझे भी करना है। तो होता क्या था रियाज करने वक्त कि ये सब गाने जो हैं सो दिमाग में चलते रहते थे। अब हम बैठे हैं, सा लगाने, सा मेरा ठीक लगता नहीं था, तो अब क्या किया जाए। तो होता ये है क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना, गला भी आपका उसी अनुसार चल रहा है, आप गा नहीं रहे हैं लेकिन गला की टेंडेंसी जो है वो गाने जैसा हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग में गाना चल रहा है। तो एग्जैक्टली जो क्या करना है, आप सुनिए, जब तक सुन रहे हैं तब तक खूब सुनिए, फिर उसे पूरा का पूरा भूल जाइए, वहाँ दिमाग ही नहीं देना है कि कुछ है दिमाग में। रियाज करने के जस्ट पहले दिमाग पूरा खाली होना चाहिए, एकदम शांत, जैसा सो के उठने के बाद जो होता है। जब भी रियाज करने बैठे, हाथ पैर धो के अच्छे से, एकदम बच्चे की तरह, दिमाग में कुछ नहीं है, ऐसे बैठना है, तब सा लगाना है। और रियाज में कभी भी वो लोग जो गाए हैं वो करने की कोशिश नहीं करना, आपकी गायकी को बढ़ाना है ना। वो लोग तो रियाज करके वहाँ पहुँच गए हैं, आपको अपना रियाज ठीक करना है और स्टेप वाइज पहुँचना है। जैसे घर होता है ना, सीढ़ी होती है, वो बहुत ऊपर है, आप सबसे नीचे सीढ़ी पे है, आप बार बार कोशिश कीजिएगा सबसे ऊपर कूद जाएँ, ये तो नहीं होता ना। आपको अपने लेवल के अनुसार बढ़ना है। तो जब भी रियाज करने बैठें, बिल्कुल भूल जाएं, सा लगाएं अच्छे से, होल्डिंग नोट्स करें, और अपना रियाज जब तक चल रहा है तब तक खूब करें, तब तक दूसरा कोई भी चीज़ सोचना नहीं है। ये कोशिश करना है कि जितना फ्री हो के बैठे आपका रियाज उतना पक्का होगा। तो सही सोच के साथ रियाज करने बैठना है, तो अच्छे से रियाज कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आप फेसबुक पेज जो हमारा है इंडियन म्यूज़िक आर्ट, वो ज़रूर विज़िट करें, वहाँ आप अपना पर्सनल मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।